हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे चारकोल पेंटिंग के बारे में। चारकोल पेंटिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता है? गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो चारकोल पेंटिंग में से पेंसिल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे चारकोल पाउडर हो गए या चारकोल स्टिक्स हो गए, इनको यूज़ करने से थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट उनको लगता है थोड़ा टफ होता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आप एक दो बार बनाकर देखेंगे, बस स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप इजीली चारकोल पेंटिंग कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से बना सकते हो। जैसे गाइस, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ चारकोल पेंटिंग के लिए मटेरियल्स। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी वो मेंशन कर दूंगा कौन कौन से कंपनी का ये मैं चारकोल मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आउटलाइन के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो पेंसिल्स है कॉन्टेपेरस की। कॉन्टेपेरस पेंसिल्स काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है। चारकोल पेंसिल्स में आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा कॉस्टली आता है बट हाँ, आउटपुट इसका बहुत अच्छा निकलता है। इसके अलावा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर चारकोल स्टिक, जो कैमल की चारकोल स्टिक जो यूज़ कर रहा हूँ, कैमल कंपनी के है ये, बहुत ही कम कॉस्टिंग में आपको अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पाउडर, जो चरल कंपनी का, ये थोड़ा सा महंगा होता है बट हाँ, काफ़ी अच्छा स्मूथ इसमें कैरेक्टर्स निकल कर आता है। काफ़ी सॉफ्ट स्किन के लिए स्पेशली इसको यूज़ कर सकते हो आप। तो गाइस, मैं यहाँ पर किस तरीके से चारकोल मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंटिंग के लिए, आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं। चारकोल पेंटिंग के बारे में मैं और ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ जहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स में हमें जानकारी देने वाला हूँ आप लोग को। यदि आप मेरे YouTube चैनल में बने रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियोस को आखिरी तक देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
Thank you.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल कंटिन्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल।